और ये दोनों देशों की जो राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, ये देखिए ये फ्रेंडशिप बैंड जो पहनाया गया है, इसकी तस्वीरें आप ख़ास तौर पर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने ये फ्रेंडशिप बैंड जो पहनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो ये फ्रेंडशिप बैंड और ये बिल्कुल, ये तस्वीरें कहते हैं कि तस्वीरें भी जो हैं वो हज़ार शब्दों के बराबर होती हैं। ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस तरह से दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री है, और बात जब केमिस्ट्री की है तो भारत और यूएई के बीच भी जो केमिस्ट्री है, पिछले साल ही दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध हैं उसने 50 साल पूरे किए हैं, यानी कि अभी अगर देखें तो यूएई के साथ हमारे लगभग 51 साल के संबंध हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फ्रेंडशिप बैंड पहना करके और दोनों नेता आपस में कुछ बात भी करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद अल जायद अल नहयान, ये फ्रेंडशिप बैंड खास तौर पर ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें बहुत ही गर्मजोशी से भरी हुई तस्वीरें, जिसमें कि शेख मोहम्मद जायद अल नहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रेंडशिप बैंड बीवी ने पहना रहे और हाथ मिलाकर गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से बात करते हुए, तो दोनों नेताओं के बीच की ये केमिस्ट्री भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप जो है, जो एक दूसरे से सहयोग की बात है, वो कई क्षेत्रों में मजबूत सहयोग है, और उन क्षेत्रों में मजबूत सहयोग, उसे और मजबूत करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यूएई के दौरे के दौरान, जब कई समझौतों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको वो समझौता पत्र भी आदान प्रदान दिखाया आपको, और इस समय जो आप देख रहे हैं ये फ्रेंडशिप बैंड जो कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो फ्रेंडशिप बैंड पहनाया, ये दोस्ती